आमतौर पर आपने दूसरों को ये सभी चीज़ें करते हुए देखा होगा, या फिर शायद आप भी करती होंगी। और ये सभी चीज़ें करते हुए आप सोचती होंगी कि अरे सभी तो करते हैं, मैं क्यों ना करूं। लेकिन ज़रा सोचिए, आपके इस बिहेवियर को देखकर क्या दूसरे आपको एजुकेटेड मानेंगे? अक्सर लोगों को लगता है कि हायर स्टडी कर लेने या सिर्फ डिग्री हासिल कर लेने से आप पढ़े लिखे कहलाएंगे और सोसाइटी में आपका एक अलग ही मकाम होगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि डिग्रीज की बदौलत आप एजुकेटेड तो कहे जा सकते हैं, लेकिन लिटरेट नहीं, क्योंकि दोनों के मायने अलग अलग हैं। और इसे समझने के लिए आपका दोनों के फर्क को समझ लेना बेहद जरूरी है। बुकिश नॉलेज की तो हम बहुत जल्दी जल्दी बातें कर लेते हैं कि हमने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतने अच्छे नंबर से पास हुए, लेकिन हमारे अंदर अगर अपने समाज के लिए जो कर्तव्य होने चाहिए वो नहीं है, हम नहीं निभा पाएंगे, तो हम अच्छे लिटरेट पर्सन नहीं कहला पाएंगे। अरे वाह, घर तो बहुत चमक रहा है आपका, एक एक चीज बड़े ही करीने से सजा रखी है आपने। लेकिन अभी बाहर आप ही थी ना जो खुले में कूड़ा फेंक रही थी। ये गलतियाँ आजकल लगभग हम सभी करते हैं। जहाँ बात होती है अपनी चीजों की और अपने घर की, वहाँ तो हम पूरी शिद्दत से उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन जब हम किसी पब्लिक प्लेस पर होते हैं या अपने घर के आसपास की जगहों पर होते हैं, तो हमें खुले में गंदगी फैलाने में और नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज करने में जरा सी भी हिचक नहीं होती। क्या ये रवैया ठीक है और इसी को एजुकेटेड होना कहते हैं? कहते हैं अगर घर की महिलाएं पढ़ी लिखी हो तो पूरा घर खुद ब खुद शिक्षित हो जाता है। और ये बात सही भी है, क्योंकि एक महिला अपने घर की धुरी होती है। जी हाँ, वो चाहे तो घर को सवार भी सकती है, तो चाहे बिगाड़ भी सकती है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप अपनी फैमिली को भी एजुकेटेड बना सकती हैं। स्कूल से कॉलेज तक आपने कड़ी मेहनत और मशक्कत की, अपनी पढ़ाई पूरी करने और अच्छी रैंकिंग के लिए हो सकता है आपने अपनी रातों की नींद तक कुर्बान की, तब कहीं जाकर ये डिग्रीज हाथ में आई। लेकिन ये क्या, शादी होते ही आपने इन्हें बंद लिफाफों में रख दिया, मानो इन सब से अब आपका कोई लेना देना ही ना हो। माना कि किसी भी वजह से फिलहाल आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, लेकिन अपनी एजुकेशन और नॉलेज को दूसरों के साथ बांट तो सकती है ना। और वैसे भी सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं, तो अब देर किस बात की। जब आप अपनी फैमिली को पढ़ाएंगी तभी आप एजुकेटेड कहलाएंगी, एजुकेटेड के साथ लिटरेट भी कहलाएंगी। हमारे समाज को लिटरेट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर से शुरुआत करें और उसको समाज में आगे फैलाएं। तो मैं दोस्तों कहूँगी, आप प्लीज़ एजुकेशन के साथ साथ लिटरेट भी कहलाइए। सिर्फ अंदर किताबी पढ़ाई मत डालिए और साथ में मॉरल वैल्यूज़ भी डालिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपको कहें कि थोड़ा सा अपनी पिछली यादों में जाएं और अपनी पढ़ाई के दिनों को याद करें, तो सबसे पहले आपको क्या याद आएगा? हो सकता है आपके जहन में कुछ कहानियां उभर कर आएं। वो कहानियां हमें क्यों सुनाई जाती थी, मैं बताती हूँ। वो कहानियां हमें इसलिए सुनाई जाती थी कि मॉरल वैल्यूज़ हमारे अंदर आएं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम कुछ बातों का ख्याल रखेंगे। हम अपने देश को सुंदर बनाएं, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाएं, जो हमारी गलतियां हैं उनको सुधारें और सीखें कि हमारे को लिटरेट कैसे कहलाना है। क्योंकि अगर हम लिटरेट नहीं होंगे ठीक ढंग से, तो हमारा देश आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं होंगी तो हम बड़ों की सेवा नहीं कर पाएंगे, अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख पाएंगे। कहते हैं कि अगर घर की महिलाएं साक्षर हों तो पूरा घर खुद ब खुद ही शिक्षित हो जाता है, और ये बात पूरी तरीके से सही है। क्योंकि एक महिला अपने घर की धुरी होती है, वो चाहे तो अपने घर को संवार भी सकती है और बिगाड़ भी। अगर आप खुद लिटरेट होंगी तभी आप घर के बाकी लोगों को सभ्य बना पाएंगी, और अगर आपकी फैमिली का कोई मेंबर गलत रास्ते पर भी जा रहा हो तो आप उसे आसानी से सही गाइड कर पाएंगी। अब बताइए, अपने आप को आप क्या कहलाना पसंद करेंगी, डिग्रीज की बदौलत लिटरेट होना, या फिर नॉलेज और एजुकेशन को सही मायने में अपनी लाइफ में अपनाकर एजुकेटेड होना?